हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज आप लोगों के लिए एक वेट लॉस की बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूं, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग वो बोलते हैं कि रेसिपी भी शेयर किया करिए टाइम टू टाइम। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोटीन की रोटी शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक डिटॉक्स रोटी शेयर की थी और जो काफ़ी पसंद आई आप लोगों को, लोगों ने ट्राई भी किया। क्योंकि जो लोग रोटी नहीं खा सकते हैं वो उस रोटी को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आजकल चलन है प्रोटीन का और हम जैसे वेजिटेरियन जो हैं वो प्रोटीन सोचते हैं किन चीज़ों से लें, किन चीज़ों को वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करें क्योंकि प्रोटीन लें। क्योंकि हम वेजिटेरियन जो हैं, हम इंडियंस जो हैं, वो अपनी डाइट में कार्ब्स ज़्यादा शामिल करते हैं, जो कि नॉट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। जिससे कि वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और वेट लॉस करने की हम सोच भी नहीं सकते हैं, और प्रोटीन ना के बराबर होता है। और मैंने काफ़ी सोचा है इसके बारे में। एक दिन मैं काफ़ी बैठ के सोच रही थी कि कितना ज़्यादा हम कार्ब जो है इनटेक करते हैं, प्रोटीन बहुत ही लेस क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, और जिनको तो दाल वाल पसंद नहीं है वो तो बिल्कुल भी प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड नहीं करते। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोटीन बहुत ही डिलीशियस रोटी शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी है और मैं बता नहीं सकती कि कितनी टेस्टी है। जब मैं आपको बताऊंगी तो आप देखेंगे कि कितनी टेस्टी होने वाली है। ऑसम रिजल्ट है, बिकॉज 9 तरह के अमीनो एसिड्स हैं इस रोटी में। इस रोटी में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में है, इस रोटी में कैल्शियम बहुत ही हाई क्वांटिटी में है, पोटेशियम बहुत ही हाई क्वांटिटी में है, जो वेट मैनेज करने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं आई थिंक आपको इतनी जल्दी किन्हीं चीज़ों में नहीं मिलेंगे, और मतलब कि और ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसमें, बिकॉज जो आपको फिश में मिलेगा वो आपको इसमें मिलेगा। भरपूर मात्रा में आपको इसमें फाइबर मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें आयरन भरपूर मात्रा में है, बोन हेल्थ के लिए जो मैग्नीशियम ज़रूरी होता है वो इसमें भर भर के है। तो सोच नहीं सकते कितनी हाई डिमांड एक तो रोटी है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड चीज कितनी बेनिफिशियल होने वाली है ये रोटी आपके लिए। और जो लोग रोटी खाए बिना नहीं रह सकते हैं ये उसका एक साक्षात प्रमाण है। देखिए, मैं इस रोटी में ऑयल जो है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में यूज़ करूँगी, क्योंकि विदाउट ऑयल ये रोटी नहीं बन सकती है। तो मुझे इसमें जो है वो ऑयल यूज़ करना ही करना पड़ेगा, और वो ऑयल मैं यूज़ करूँगी नारियल के तेल, यानी कि नारियल का तेल मैं यूज़ करूँगी। आप चाहे तो इसमें ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ वो करती हूँ कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल से आपकी स्किन भी काफ़ी अच्छी रहती है, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने में, हमेशा आप लोगों के साथ रहती हूँ तो आप देख सकते हैं कोकोनट ऑयल का रिजल्ट। मैं पहले ऑलिव ऑयल यूज़ करती थी, लेकिन स्किन पे उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना कोकोनट ऑयल से आता है। वर्जिन वाला नहीं चाहिए आपको, वर्जिन ऑयल में कभी भी खाना पकाना नहीं चाहिए, ये वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, नल के बराबर हो जाता है। हमेशा जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल आता है, मैं पतंजलि का यूज़ करती हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल जो कोकोनट ऑयल आता है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी फैट नहीं है उसमें फैट। या फिर आप देसी घी ले सकते हैं, सैचुरेटेड फैट होता है, बॉडी में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपकी बोन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये जो मैं रोटी आपको बताऊँगी इतना बेनिफिशियल है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, बूढ़ों को दे सकते हैं, जो लोग आपके घर में वेट लॉस कर रहे हैं उनको दे सकते हैं, जो लोग ग्लूटेन फ्री खाना खा रहे हैं उनको दे सकते हैं, जिनकी डाइट में प्रोटीन की कमी हो है उनको दे सकते हैं। मतलब हर तरह के लोग आपके घर में इसे खा सकते हैं। बनाना बहुत ही ईजी है, अगर आपने इसका बैटर जो है वो फ्रिज में स्टोर करके रखा है तो झट से बन जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। आप इसे सब्जी के साथ खा सकते हैं, आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं, टेस्टी बहुत है। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं देती हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उसमें दे दूँगी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ एक छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैंने एक न्यू चैनल भी लॉन्च किया है, उसका लिंक अभी आपको ऊपर शो हो जाएगा, तो वहाँ पर भी ज़रूर क्लिक करिएगा। वहाँ पर मैं ब्यूटी से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड लेके आती हूँ, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आपको एक बाउल चाहिए, और
एक से डेढ़ घंटे पहले आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है और किनवा चाहिए। मैं न्यू हर्ब्स का लेती हूँ, रॉ एंड रोस्टेड है ये, हाई इन प्रोटीन है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नेट क्वांटिटी इसकी 400 ग्राम है और इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, यानी 220 रुपए में आपको 400 ग्राम कोई भी कंपनी देने वाली नहीं है। और मतलब कि आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने इसे अपनी डाइट में ऐड किया है। न्यू हर्ब्स का हाई क्वालिटी प्रोटीन है और FSSAI अप्रूव्ड है। और ये जो जिपर पाउच है ये मुझे बेहद पसंद है कि मुझे कोई भी कंटेनर नहीं लेना पड़ता है इसके लिए, जस्ट इसको ऐसे ही आप अपनी रैक में रख दीजिए, मुझे किसी बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको स्टोर करने के लिए, इसके जिपर इतने अच्छे हैं। तो आपको 4-5 to 6 टेबल स्पून किनवा लेना है और पानी में भिगो के रख देना, यानी सुबह जब भी आप बनाएं। और ध्यान रखें किनवा आप मॉर्निंग में ही अपनी डाइट में ऐड करें, लंच या फिर नाइट में ऐड ना करें। तो आपको इसे भिगो के रख देना है, 1.5 से 2 घंटे बाद आपको ये देखिए अच्छे से सो गए, बहुत ज़्यादा नहीं फूलेंगे, इतने ही फूलेंगे। अब आपको एक ग्राइंडर लेना है, मैं सिर्फ अपने लिए रेडी कर रही हूँ तो छोटा ही ग्राइंडर लूँगी, आप और लोगों के लिए रेडी कर रहे हैं तो आप बड़ा ग्राइंडर ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें डालिए। इसके बाद आपको हरी मिर्च डालनी है, प्याज डालना है, अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर दीजिए, प्याज डाल दीजिए। ये ध्यान रहे कि लहसुन नहीं डालना है क्योंकि लहसुन काप ज़्यादा होते हैं उसमें, तो वो आपको नहीं ऐड करना है। एक पूरा प्याज मैं डालूँगी। अब इसको ग्राइंड कर लेना है, आपको अच्छे से ग्राइंड करिए। नहीं, एक चीज़ और ऐड करनी है आपको इसमें, 1 से 1.5 टेबल स्पून आपको बेसन ऐड करना है। बेसन इसलिए ऐड करना है ताकि ये थिक अच्छी फॉर्म में हो जाए और थोड़ा सा कुरकुरा बने, इसलिए मैं इसमें 1.5 चम्मच जो है 1 से 1.5 चम्मच बेसन ऐड करूँगी। और ये आपको ऐड करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज आप नहीं ऐड करोगे तो उतनी थिकनेस फॉर्म में और उतनी अच्छी फॉर्म में ये नहीं बनेगा। तो ये इस तरह से आपको पेस्ट जो रेडी करना है इसका। और किनवा के बेनिफिट्स में बताऊँ तो मैं इसे हमेशा अपनी डाइट में ऐड करती हूँ। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी क्यूमिन सीड्स पाउडर और फ्लैक्स सीड पाउडर, यानी कि फ्लैक्स सीड का पाउडर कैसे बनता है वो मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने वाली हूँ। तो फ्लैक्स सीड पाउडर आपको डालना है, नमक डालना है, देन इसके बाद आपको इसे मिला लेना है। और किनवा प्रोटीन, आयरन, फाइबर जैसे पोषक तत्वों का एक उत्कर्ष स्रोत है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सुबह के नाश्ते से, मैंने बोला कि मॉर्निंग में आप इसका करिए। और कई रिसर्च के मुताबिक इसमें एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसर, एंटी एजिंग गुण होते हैं। इसमें मौजूद फाइबर के कारण या वजन घटाने और कब्ज के इलाज के लिए भी एक अच्छा आहार है। फाइबर हृदय और कैंसर जैसे घातक रोगों को रोकने में भी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ आपको एक पैन लेना है, कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, कोई और ऑयल मत यूज़ करिएगा। और बहुत ही लेस ऑयल में ये बन रहा है, और पूरे ऑयल को अच्छे से फैला दीजिए, गर्म कर लीजिए। और मैं अगर बात करूँ किनवा की और बेनिफिट्स की, तो किनवा घुलनशील फाइबर से भरपूर होने के कारण मनुष्य के लिए एक अच्छा भोजन है। किनवा खून से कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए लीवर को उत्तेजित करता है। यदि आप अपने भोजन में किनवा का प्रयोग करते हैं तो यह आपके शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। इसका मतलब इसकी सहायता से हृदय रोग का जोखिम कम होता है। किनवा में फैटी एसिड होते हैं जिनमें से 25% ओलिक एसिड होते हैं। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 एसिड भी होता है। तो एक आपको जस्ट लाइक रोटी इसे स्प्रेड कर देना है और बहुत ही अच्छी तरह ये पलट जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप घंटों तक जिम में वर्कआउट करते हैं तो उससे अच्छा आप अपनी डाइट में सुधार करें और वज़न कम करने में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी इससे। और आपको कुछ स्प्रिंकल कर देने हैं इसमें फ्लैक्स सीड, और इसमें अनाज के मुकाबले काफ़ी अधिक मात्रा में फाइबर होता है और जिससे आपका पेट काफ़ी टाइम तक भरा होता है। इसके अलावा इसमें 20 हाइड्रोऑक्सीडेसोन होता है जो वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। और किनवा में विटामिन बी एंड अन्य पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा में डार्क मेलानिन को कम करके उम्र से संबंधित समस्याओं को इलाज करने में सहायक होते हैं। किनवा में मौजूद विटामिन B12 त्वचा का रंग बनाए रखने का काम करता है। और किनवा में टिरोसिनेज अवरोधक भी होता है जो एक एंजाइम होता है या पिगमेंटेशन और त्वचा से संबंधित समस्याओं को भी कम करता है। किनवा में मौजूद विटामिन B3 मुहासों का इलाज करने में मदद करता है। और इस तरह से आप इसे खाइए चाहे बॉयल। मैंने एक डिश इसके आप लोग साथ और भी शेयर की हुई है कि जस्ट लाइक पुलाव आप कैसे इसे बना सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा वो नहीं सबको पसंद आया, तो
आप इस तरह से इसकी रोटी बना के खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड ऐड है तो आप सोच नहीं सकते कि इसके पोषक तत्व जस्ट डबल हो गए हैं। और ज़रूर ट्राई करिएगा इसको अपनी डाइट में, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग में ही ऐड करिएगा। तो ये है, बोन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं, रिच इन आयरन, रिच इन फाइबर, ग्लूटेन फ्री है, 400 ग्राम की है और इसका पैक इस तरह से ये आपको मिलता है। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जाके चेक करिएगा। और जैसे लोग बोलते हैं कि किन्वा होता क्या है, तो एक बार मैं आपको इसके जो सीड्स हैं वो दिखाती हूँ कि किस तरह से होते हैं। शायद वैसे इसको बोलते हैं किन्वा है, किसी और लैंग्वेज में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया तो इस तरह के दाने में मिलता है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मे बी आपको कुछ कम में मिल जाए। दो तीन चार साइट्स दी हैं, न्यूहर्ब्स की खुद की भी मैंने साइट दी है, तो एक बार जाके चेक करिएगा क्या कैसे कितने का है, और अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए, और उसके बाद कमाल देखिए कि कितना अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस डिश को बनाना बहुत इजी है, झटझट झटझट बनाया आप। मैंने बहुत लेस ऑयल इसमें यूज़ किया है, अगर आप कोकोनट ऑयल इसमें और डालना चाहें, घी डालना चाहें, नो प्रॉब्लम। जो वेट मैनेज नहीं कर रहे हैं, वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, वो भी इसको खा सकते हैं, बिकॉज प्रोटीन इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, हर किसी को प्रोटीन की जरूरत है। और ये न्यू हर्ब्स की जो है आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी साइट पे मिल जाएगा, सारी साइट्स में नीचे दे दूंगी आपको, पर्सनली न्यू हर्ब्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। प्राइस एक बार देख लीजिएगा, इट्स नॉट अ फाइनल प्राइस, क्योंकि रेट जो है वो घटा बढ़ा करते हैं, तो मैं आपको कभी भी इसलिए फाइनल प्राइस नहीं बताती हूँ। और सबसे अच्छी बात है, हाई इन प्रोटीन, जो कि आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए, जो वेट लॉस नहीं कर रहे हैं। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ।